सबसे पहले तो एक सीक्रेट बताती हूँ, ललन टॉप और ऑर्डिनरी का न्यूज रूम एक है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। पर ये कोई सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट तो ये है कि आज हमारे न्यूज रूम में एक झामफाड़ लड़की आई थी गेस्ट के रूप में, सोना महापात्रा। उन्होंने आज ललन टॉप के न्यूज रूम में बहुत काम की बात बोली, कहा कि जो गलत लगे उसे उसी वक्त खुलकर कह देना चाहिए, कई बार ये बहुत जरूरी होता है। वो तो हर बार यही करती हैं, हंसते हंसते करारी बात कह देती हैं। पर हम उनकी तरह रोज हंसते हंसते हुए तो बात नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं एकदम सीरियस होकर। लेकिन आज हम भी सीखी हुई चीज को अप्लाई करेंगे और हंसते खेलते काम की बात आपसे करेंगे। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज में आऊं। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट कर जानकारी दी कि वो प्रेग्नेंट है। सच बताऊं तो ये खबर सुनते ही मुझे बड़ी खुशी हुई। कोई भी लड़की जो अपने प्रेमी के साथ खुश है, अपनी मर्जी से और खुशी से माँ बनने वाली है, ये देखकर मुझे खुशी ही होती है। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो सोहर गाया जाता है, और जो लोग यहाँ आकर कमेंट में लिखते हैं ना कि वाह दीदी क्या बात कर दी, बिल्कुल UPSC में सवाल पूछ लेंगे तो यही जवाब दे देंगे हम, वो ये जानकारी नोट कर ले, फोक सॉन्ग से जुड़ी हुई है। और आप लोग जब बोलते हैं कि कोई काम की बात बता दूँ, तो जब कभी ये सवाल आए कि फोक कल्चर के बारे में बताओ, फोक कल्चर के बारे में लिखो, तो यही लिखाना। हमारी दादी किससे सुनाती हैं कि भगवान राम का जब जन्म हुआ था तब भी सोहर गाया गया था। अब हम लौटते हैं खबर पर। हमें लगा कि ये खबर सुनकर हमारी तरह लोग खुश होंगे, बधाइयाँ देंगे, सवाल करेंगे कि आलिया रणबीर अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे, बच्चे को डाइपर पहनाएंगे या घर पर सिली हुई लंगोट, इस पर बहस करेंगे। तैमूर की तरह वो सेलेब किड बनेगा या वामिका की तरह उसकी तस्वीरें पब्लिक में नहीं शेयर की जाएंगी, इस पर बात होगी। बच्चे के अंगूठा चूसने पर रणबीर आलिया पीडियाट्रिशियन को फोन घुमाएंगे या दादी नीतू सिंह के नुस्खे आजमाएंगे टाइप के मीम बनेंगे। लेकिन लोगों ने तो अलग ही लेवल के सवाल जवाब और बातें शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा, आलिया भट्ट जानती थी कि रणबीर कपूर उनसे कभी शादी नहीं करेंगे, आलिया ने जरूर पिल्स स्किप की होंगी ताकि रणबीर को शादी के ट्रैप में फंसा सके, कितनी चंट औरत है। भाई रणबीर के पास भी ना कॉन्डम यूज करने का ऑप्शन था, इतना ही था तो वो कॉन्डम पहन लेते। बाकी आई एम वेरी श्योर ये वाली थ्योरी आपकी एक्सक्लूसिव है, विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर बनी हुई है। एक और यूजर ने लिखा, आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी करने का कोई कोड क्रैक कर लिया, दीपिका और कैटरीना को आलिया से सीखने की जरूरत है। मित्र आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करने की जरूरत है, प्रेगनेंसी के बाद शादी करने के लिए हर कोई किसी को फोर्स नहीं करता है। कुछ दिन पहले हंसल मेहता ने शादी की, रिश्ते के 17 साल बाद दो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद, कल्की ने बच्चा पैदा होने के बाद भी शादी नहीं की और अपने पार्टनर के साथ खुश है। जरूरी नहीं कि हर प्रेगनेंसी को शादी करने का कोड ही माना जाए और लड़की ने उसे वैसे ही इस्तेमाल किया हो। आप सोच समझ का दायरा बढ़ाइए। पर नीना गुप्ता ने भी तो 3 दशक पहले बिना शादी के बच्चा पैदा करने का साहसिक कदम उठाया था। सहेज जी ने लिखा, अब आलिया भट्ट का करियर खत्म हो गया, जैसे रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, अनुष्का शर्मा का हो गया, इसलिए दीपिका ने अब तक फैमिली प्लानिंग नहीं की। मेरे दोस्त प्रीति ने बॉलीवुड में काम करना बहुत पहले छोड़ दिया था और उनके बच्चे हाल ही में हुए हैं। अनुष्का ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उन्होंने ब्रेक लिया है। ब्रेक और फुल स्टॉप में फर्क होता है। बाकी काजोल ने कभी खुशी कभी गम जैसी हिट फिल्म माँ बनने के बाद की, करीना दो बच्चों की माँ बनने के बाद भी बढ़िया काम कर रही है। जमाना आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है, जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं वो जा चुका है। जरूरत है कि आप भी आसपास आंख खोल कर थोड़ा सा देखें। और भाई जज बनने का इतना शौक है ही तो थोड़ा सा कानून भी पढ़ लेते। भारत के कानून ने तो शादी से पहले सेक्स करने पर पाबंदी नहीं लगाई है और न ही बच्चा पैदा करने के लिए शादी को अनिवार्य माना है। इन सब के बीच कुछ लोग दीपिका और रणवीर सिंह को भी घसीट लाए। एक ने रणवीर की तस्वीर लगाकर लिखा, अपना टाइम आएगा। एक ने गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन चिपका कर लिखा, आंख खोल कर देख। किसी ने दीपिका की तस्वीर को मॉफ कर दिया और लिखा, कब खून खोलेगा रे तेरा रणवीर। एक ने कहा, थोड़ी सी भी कोशिश की तूने, मतलब वो वाली लाइन वहां पर चिपका दी। सिर्फ दीपिका और रणवीर को ही नहीं, कैटरीना और विकी को भी लोग खींच लाए और ऐसे ही घटिया मीम बनाने की कोशिश किए। मतलब मैं कोशिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मीम लग भी नहीं रहा। बाकी लोगों ने ये तक लिख दिया कि पहले प्रेगनेंसी फिर शादी, बहुत जल्दी नहीं हो गया, इतने जल्दी पिज्जा भी नहीं डिलीवर होता, ये कैसे हो गया।
आलिया कोई पहली लड़की नहीं है जिनके लिए ये सब कहा जा रहा है। दिया मिर्जा, नुसरत जहां, कल्कि, नेहा धूपिया जैसी कितनी ही लड़कियों हैं जिन्होंने ये सब कुछ झेला है, ये सब कुछ सुना है। लड़की शादी के पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो दिक्कत, शादी के बाद 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाए तो दिक्कत, शादी के कुछ साल बाद तक प्रेग्नेंट ना हो तो भी दिक्कत, शादी के पहले लड़की अगर प्रेग्नेंट हुई है तो वो पक्का गलती से ही हुई है या अनचाही प्रेगनेंसी ही होगी। शादी के बाद महिला अगर बच्चा नहीं कर रही है तब तो वो बड़ी मतलबी है, उसे सिर्फ अपनी पड़ी है, परिवार से उसे कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ एक सेट पैटर्न में, एक सेट समय में होगा? अगर कुछ भी उससे थोड़ा सा भी इतर होता है तो आप बिल्कुल रियलिटी शो के जज बनकर बैठ जाते हैं कमेंट पास करने के लिए, क्योंकि आप तो हैं समाज के ठेकेदार। औरत का उसके शरीर पर उतना हक नहीं है जितना आपका है, है ना? जीवन में दुखी होने के लिए बहुत सी चीजें हैं। एक लड़की हंसते मुस्कुराते तस्वीर डाल रही है, अपनी खुशी बांट रही है, बता रही है कि वो माँ बनने वाली है। आपको देखकर खुश होना चाहिए कि लड़की अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी जी रही है उस देश में, जिसे लेकर UNFPA का डेटा कहता है कि हर साल 47,000 महिलाओं की मौत अनचाहे गर्भ गिराने में हो जाती है। दाइमा बनना ही है तो आलिया को सलाह दीजिए कि भाई बढ़िया खाना खाना, भरपूर नींद लेना, मेडिटेशन करना, अच्छा संगीत सुनना, खुश रहना, हर पल को जीना, काहे कुंठित व्यक्ति टाइप मुंह फुलाकर ऊटपटांग बातें लिखना। वैसे आलिया ने आप जैसों के लिए आज एक मैसेज दिया है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, ना कुछ डिले हुआ है, ना किसी को भी कुछ पिकअप करने की जरूरत है, मैं एक औरत हूँ, पार्सल नहीं, मुझे रेस्ट या ब्रेक की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी दे दूंगी। ये 2022 है, हमें इस सोच से बाहर आना चाहिए। हमने तो आज मन की बात कह दी, आपके मन में क्या है कमेंट में बताइएगा। और याद रहे जो हमारे संपादक हमसे कहते हैं, सबसे ज्यादा सवाल खुद से करिए, जज करने का शौक ही है तो खुद को करिए ताकि खुद को तराश सके, बेहतर बना सके। अपनी राय कमेंट में बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। मैं चली।